दोस्तों आपको पता होगा आपकी रैम अगर आपके कंप्यूटर में है तो आपका स्पीड कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। तब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि रैम की स्पीड क्या होती है, तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपको बताऊंगा कि रैम की स्पीड कितनी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं RPM Tech Tips और आज मैं आपसे बात करूंगा रैम के बारे में। पूरा एक्सप्लेन करूंगा रैम क्या होती है, कैसे वर्क करती है और इसकी स्पीड क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि आप इसमें कुछ भी अगर स्टोर करके रखेंगे जब तक PC ऑन है तब तक रहेगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है सिस्टम में, बहुत सारे कम ऐसे सिस्टम है जिसमें क्या होता है दोस्तों कि जो रैम का जो डेटा उसमें स्टोर करके रखते हैं वो ऑटोमेटिकली जो हमारी हार्ड ड्राइव जो SSD आपके सिस्टम में लगी हुई है उसमें स्टोर हो जाता है। बट यहाँ पे कब होता है वो, जब आपका सिस्टम जो है स्लोली यहाँ पे अगर उसमें थोड़ा डिले है अगर उसको बंद होने में, यानी कि आप उसको स्लिप करके रखते हैं या हाइबरनेट करते हैं, तो उसका जो डेटा है वो आपकी रैम से जो है हार्ड ड्राइव में चले जाता है। तो ये होता है दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी का। अब इसकी स्पीड कितनी होती है दोस्तों, इसकी स्पीड होती है 7 से 10 GBPS। यस दोस्तों आपने सही सुना, 7 से 10 GBPS की इसकी स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर की, प्रोसेसर से जो है रैम में और रैम से जो है हार्ड ड्राइव में, इस तरह से ये जो है वर्किंग करता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, तो उसको जो है जल्दी डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ चाहिए, तो इसलिए हमने रैम यहाँ पे यूज़ करी। रैम क्या करती है दोस्तों, आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसमें से डेटा लेती है और रैम में स्टोर करके रखती है, और फिर जब प्रोसेसर को वो डेटा चाहिए होता है तब वो जो है रैम प्रोसेसर को जल्दी से वो डेटा प्रोवाइड कराती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा प्रोसेसर है वो हार्ड ड्राइव से कॉन्टैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि हार्ड ड्राइव की इतनी स्पीड नहीं होती कि उसको इतने जल्दी से जो है वो डेटा वहाँ पर दे पाए प्रोसेसर को और वो फिर प्रोसेस कर पाए आगे। तो यहाँ पर हम रैम का यूज़ करते हैं ताकि जो रैम है वो काफ़ी फास्ट होती है, तो इसलिए जो है डेटा ट्रांसफर यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है रैम की मदद से। अब दोस्तों रैम फास्ट इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो लेटेंसी होती है उसकी वो काफ़ी लो होती है, बहुत ही कम लो लेटेंसी होती है। नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड जो होते हैं उसमें वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसकी मदद से जो है हम फास्टली डाटा ट्रांसफर यहाँ पे कर पाते हैं। दोस्तों आप कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनकी मदद से आप आपकी रैम में जो है कोई भी डाटा इंस्टॉल करके रख सकते हैं आपका, और उसको जो है फास्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर पावर लूज हो गई तो आपका जो डेटा है वो सारा चले जाएगा, यानी कि आप कोई गेम खेल रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद से, आप कोई गेम खेल रहे हैं जो सॉफ्टवेयर आपकी रैम में इंस्टॉल कर दिया, अगर आपके पास ज़्यादा रैम है आपके सिस्टम में, तो अगर आपने वो गेम आपकी रैम में इंस्टॉल कर दिया मान लो, तो फिर क्या होगा दोस्तों, अगर आप गेम खेल रहे हैं आप उस टाइम तक खेलोगे जब तक आप उस सिस्टम में पावर है, अगर पावर लॉस हुई तो यहाँ पे आपका पूरा गेम का जो डेटा है वो पूरा लॉस हो जाएगा। यहाँ तक कि आपके अगर आपने कोई स्कोर बनाया होगा, स्टेज पार करी होगी, तो वो सारी जो है यहाँ पे इरेज हो जाएगी, क्योंकि रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। दोस्तों कई कई सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिनको हम जो है रैम को पावर दे सकते हैं, बहुत ही रेयर केस है ये, जैसे कि आप इमेज देख पा रहे हैं इसमें। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम रैम को लगा सकते हैं, इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्पीड होगी वो कई गुना ज़्यादा होगी M.2 SSD और SSD के मुकाबले, क्योंकि जो रैम होती है आज आप जानते हैं काफ़ी फास्ट होती है, तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है और ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी रैम की वर्किंग, कैसे वर्क करती है, क्या होता है इसमें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो आता रहूँगा। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो लिंक यहाँ पे, उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।